हमारा आपका सुहागरात है और सुहागरात इंसान के जिंदगी में एक ही बार आता है, बार बार नहीं आता। महाराज बोलो, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो, ये बोलो। दिल में तुम्हें बिठाके कर लूंगी मैं बंदी आंखें, पूजा करूंगी तेरी Thank you.
हमारे दिल में ये विश्वास हुआ कि जितना हमारी बड़ी महारानी हमारा मान दान करती है उससे तुम बढ़कर हमारा मान और जान और कदर करोगी। लेकिन रात तो बहुत हो गए, हर हो चुकी आज बहुत। मीठी मीठी बातें करके हमारे दिल में एकदम तरंग जगा दिया। अब चलो इस बात को छिड़े महाराज जी। अरे चाहे जमाना काले, हमने ये दिल में प्रतिज्ञा तय कर लिया। अरे चाहे जमाना काले, सारी दुख दूर हो गई। अब मैं भी चैन की बंसी बजाऊंगी और भगवान का भजन करूंगी। या भगवान, ये मेरा सर क्यों चकरा रहा है? हे प्रभु, ये सब क्या हो रहा है? सर चकरा रहा है, उल्टियां हो रही है, बदन ओझल ओझल लगता है। ऐसा लगता है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। हे भगवान, एक औलाद के लिए आज तक मैं रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, तो आपने मेरे ऊपर ख्याल नहीं किए। लेकिन आज मैं अपनी जगह अपनी एक बहन को ले आई तो आपने मेरे ऊपर ख्याल कर दिए। भगवान, कोई बात नहीं, जैसे तुम्हारी लीला प्रभु, तुम्हारी महिमा कौन जान पाए। लेकिन ये बात अभी मैं किसी से नहीं कहूँगी, समय आएगा तो हर कोई जान जाएंगे। अभी से ढिढोरा पिटने से क्या फायदा, कोई बात नहीं, खास करके बादी से बात छिपाऊंगी। मैं देख रहा से आप बहुत गंभीर में रहती हो, क्या बात है? अरे रे, मैं गंभीर में हूँ कि खुश हूँ? बहुत गंभीर रहती हो, मैं देखती हूँ। बाकी
एक बात बता, तू खाना वाना नहीं खाती है, बोलने में इतना असमर्थ क्यों है, इतना सिलो क्यों बोलती है तू? घटिया ना है, फुटा घटिया। हम साथ दे दी घटिया। बताओ, यहाँ से मुंबई तक घूम कर आई है और दबती है बहुत करने में, बताओ दरबार की बात ही हो, इस तरह दबके रहोगी तो काम कैसे चलेगा? दिल खोल के भाई खोल के बोलो, क्या बात है, क्या कहना चाहती हो तुम? दादी हाँ महारानी जी, क्या बात है? मैं देख रही हूँ आप उल्टी पलटी कर रही हैं, बात क्या आप बताइए ना। अरे मैं उल्टी पलटी कर रही हूँ? हाँ। किसने देखा? मैं खुद देख रही हूँ, एक घंटे से इधर घूम टहल के। इसके मतलब तू मेरे पीछे खड़ी होकर मेरी बात सुन रही थी? हाँ, मैं आपकी पूरी बात सुन रही थी। तू चोरी चोरी मेरी बात सुनती है? ऐसी कोई बात नहीं है, जो तू सोचती है ऐसा कुछ नहीं है। नहीं है, कुछ तो जरूर है महारानी जी। बादी बादी ऐसा कोई बात नहीं, कोई आखिर मैं क्यों प्राणी हूँ महारानी जी, तो बताइए ना, मेरे से आप क्यों छुपा रही है? मैं तुमसे नहीं छुपा, ऐसी कोई बात नहीं पागल। कुछ तो जरूर है महारानी जी, बताइए ना। तू जिद करती है, अच्छा ठीक है मैं तुझे जरूर बताऊंगा, लेकिन पहले तुम्हें कसम खाना होगा कि ये बात तू किसी से नहीं कहेगी। मैं किसी से नहीं कहूंगी। पक्का? पक्का। वादा? वादा। नहीं नहीं नहीं, पहले अपनी जवानी की कसम खा। जवानी की? उनकी जवानी की कसम क्यों खा दी तू? तो अपनी जवानी की कसम खा। मैं अपनी जवानी की कसम खा के कहती हूँ, किसी से नहीं कहूंगी। पक्का? बादी, मेरे पेट में 4 महीने का हमल है, मैं माँ बनने वाली हूँ। क्या 4 महीने का? ये तो बहुत खुशी की बात है। हाँ बादी, खुशी की तो बात है, लेकिन ये बात अभी किसी से मत कहना, समय आएगा तो हर कोई जान जाएंगे, ये छिपाने वाली तो बात है नहीं, ठीक है ना? तो मैं जा रही हूँ, किसी से मत कहना, अगर कह दी तो तेरे कान खा। तो हेरा खोज जो मिलबो कीन तो हमार दिलवा बहन हिंदी यत एन सीढ़ी लगाओ करी आवाज तो नहीं था ई चारवा तरह हो जत। अब मैं चलती हूँ छोटी महारानी के पास और मैं ये बात अवश्य कहूंगी, लेकिन मैं से चलते चलते कैसे जिंदगी है मगर ठीक होना चाहिए। मैं भी तो ठीक हूँ, आज मेरा सुहागरात था तो मैं ठीक नहीं रहोगी तो क्या तुम रहोगी? अरे नहीं महारानी जी, अच्छी बात है आपकी सुहागरात है। सुहागरात में जानती है क्या होता है? कुश्ती लड़ना पड़ता है। क्या कुश्ती लड़ना पड़ता है? जी हाँ, मैं जीत गई, मेरे पति हार गए। लेकिन एक बात है महारानी जी। क्या? ये आपका जो कुश्ती जीती हुई है ना, ये सारी खुशियां बेकार है। भादी? हाँ महारानी जी। भादी कैसे उलझुल से बातें करती है? सच कह रही हूँ। भादी? हाँ। बात क्या है? तू कहना क्या चाहती है? बड़ी महारानी के पेट में 4 महीने का हाल। भादी? हाँ महारानी।
ये हो नहीं सकता कि बड़ी महारानी कभी गर्भवती हो जाए। तुम्हारे बात क्या कर हकीकत सही है। बड़ी महारानी के कोख में चार महीने का अमल नहीं, ये हो नहीं सकता कि बड़ी महारानी गर्भवती हो जाए। हो गया महारानी जी, इसमें कहने की बात नहीं है। आंखों से देख के आई है। हाँ, मैं अपने आंखों से देखे हूँ, कानों से। तो बादी मेरा क्या हो गया जो मेरे बिल में दो महीने से पल रहा है, उसके बिल में चार महीने का है, मेरे बिल में दो महीने का, मैं दो महीने उससे पीछे हो गई। हे भगवान पादी, पादी अगर ऐसा हो गया तो धोबी न कुत्ता न घर का न घाट का, मैं कहीं के ना रह जाऊंगी। तुम सोचो मेरे बेटे का क्या हाल होगा। अगर उसके कोख से यहाँ संतान का जन्म हो गया तो राज तिलक उसके बेटे का होगा, जो मेरे पेट में पल रहा है उसका क्या हाल होगा। क्या उन पे कठोर लेके भीख मांगेगा, दे दो अल्लाह के नाम से, दे दो अल्लाह के नाम से। नहीं पादी, ऐसा नहीं होने दूंगी। दादी, लेकिन एक बात है, महाराज जी तुमसे पूछेंगे कि छोटी महारानी इस वक्त कहाँ है, तो कह देना कोप भवन में। और ये भी पूछेंगे कि कोप भवन में जाने का कारण क्या है, तो कह देना मुझे कुछ नहीं मालूम। ठीक है महारानी। चुप बैठने वाली नहीं हूं मैं, ऐसा नहीं होने दूंगी। उसका बच्चा मैं यहां पैदा नहीं होने दूंगी। तेरा बच्चा मैं तेरे पेट में ना मरवा दी तू मेरा नाम का हरण नहीं। अब मैं तुझे घर से बेघर ना किया तो मेरा नाम महारानी नहीं। अब मैं तुम्हें चैन की नींद नहीं सुने दूंगी। आइए महाराज जी तुम्हें बता दू, आज ये महल जो सन्नाटा सा दिखाई पड़ रहा है बाकी, सबसे पहले तू ये बता कि छोटी महारानी कहाँ है और कौन महारानी कहाँ है। बड़ी महारानी जी आराम कर रही है और छोटी महारानी को भोन भी गई है। छोटी महारानी को भोन में? जी हाँ। क्या किसी ने उन्हें कुछ कहा है बादी? जब उन्हें किसी ने कुछ नहीं कहा तो फिर कौन फोन में जाने का कारण क्या बनता है? बादी तू अपने ड्यूटी पे जा, मैं स्वयं जाकर देखूंगा कि उन्हें हुआ क्या, किस बात की परेशानी आई। अगर किसी ने कुछ कहा हो तो उसका हम जुबान कटवा लेंगे। अगर किसी ने कुछ से देखा होगा तो हम उसका आंखें निकलवा लेंगे। वो हमारे प्राणों से भी प्रिय है। चलकर देखो। आने दो महाराज जी। Thank you.
वास्तव में इनके कलेजे पे कुछ ठेस पहुंचा है जो कि इस हाल में तो चमक